वेलकम गाइज वेलकम बैक टू दिस एडवांस कोर्स ऑन योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय फर्स्ट वेरी ओन लेक्चर ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आज काफ़ी मज़ा आने वाला है ठीक है दस पंद्रह मिनट का एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाया है मैंने देखते हैं कितना आ, आपको फ्रूटफुल लगेगा अगर ये कोर्स आपको किसी भी ए, रेस्पेक्ट में अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करा करिए और लाइक करा करिए सब्सक्राइब करा करिए आपकी बेजती नहीं होगी इसमें और यस डेफिनेटली आज कुछ इंटरेस्टिंग uh, स्टार्ट करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में चलो थोड़ा सा आप मेरे बारे में देख लीजिए अर्पित शर्मा नाम है और फैकल्टी हूँ ऑप्शन सोशोलॉजी का भी मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एम टेक एन कुरुक्षेत्र से किया है सो नाउ यस बिगर क्वेश्चन इज वाई टू स्टडी स्पेस एंड देयर टेक्नोलॉजीज़ यस देखिए सबसे पहली चीज अब स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं क्यों उसको डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को इससे कम्युनिकेशन इन्हांस होगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में अगर कम्युनिकेशन सेटेलाइट जाएंगी तो वहाँ से हमें एसेसिबिलिटी बढ़ेगी है ना और हम लोग सेटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ेंगे दिस इज़ द वेरी ओन प्रोजेक्ट विच इज़ लॉन्च बाय जेफ़ बेजोस और जो अमेज़ॉन के ओनर हैं उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो साढ़े तीन हजार सेटेलाइट्स लॉन्च करेंगे लोअर तो ऑर्बिट्स में डिफरेंट ऑर्बिट्स में लोअर तो ऑर्बिट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं वन किलोमीटर से लेकर कर दो किलोमीटर के रेंज में और वहाँ पर वो उन कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहते हैं कि बाई चांस अगर आपकी जो बेसिक इंटरनेट सर्विसेज हैं वो किसी कोल्ड वॉर या किसी भी वॉर के कारण या किसी कैलोमिटी के कारण ख़त्म हो जाए तो हमारे पास में एक बैकअप रहना चाहिए इंटरनेट का यस, सो दिस इज़ द रीज़न सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन सेकंड इज रिमोट सेंसिंग कैसे हम लोग ओशनोग्राफी को पढ़ सकते हैं यहाँ पे इस ओशनोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ओशन मरीन मरीन स्टडी राइट एंड आफ्टर दैट वी नीड टू स्टडी अबाउट वॉट माइंड एक्सप्लोरेशन मिनरल डिपॉजिट्स हम लोगों को पता चलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ आपके अर्थ में हैं दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इसके बाद येस yes, नेविगेशन में आपका बहुत बड़ा एक हाथ है गूगल थ्री डी आ चुका है गूगल अर्थ थ्री डी आपके पास वेरियस गूगल एप मैप के लोकेशन के ऐप्स हैं तो नेविगेशन में डेफ़िनेटली आपको हेल्प करता है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्योंकि मैं स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ तो यहां पे सैटेलाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट आगे मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके की सैटेलाइट्स आपकी यूजफुल होती हैं यहां पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या जानने की ज़रूरत है इसे नोट करके अपने दिमाग में फिट रखिएगा कि कोई भी टेन्योर या लाइफ स्पेन सेटेलाइट का किस पर डिपेंड करता है द रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एटमॉसफियर वेरी करेक्ट नाउ अब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो कार्बन लाइन तो पता होना ही चाहिए ठीक है कार्बन लाइन क्या होती है कार्बन वॉज अ हंगेरियन साइंटिस्ट जिन्होंने डिफाइन किया था कि हमारा स्पेस एटमॉस्फेयर और हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर दोनों में एक बाइफकेशन होना चाहिए ठीक है वो एक इमेजिनरी लाइन है कोई पर्टिकुलर वहाँ पे वो लेके खड़े नहीं हुए झंडा कि वो यहाँ से अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है स्पेस का इट्स एन इमेजिनरी लाइन एंड येस द द आउटर स्पेस द आउटर स्पेस and the difference between the earth's atmosphere that is your astronomical space and the aeronautical space this is called your Carmel line difference now next is your what is the space subsapali definition ati kabi space space refers to a void or vacuum yes definitely that exists between the celestial body containing a very low density of particles yes जहां पे आपका प्लाज्मा ऑफ हाइड्रोजन भी होता है प्लाज्मा क्या है फोर्थ फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस के बाद में है ना और डस्ट या फिर कॉस्मिक रेस कॉस्मिक रेस क्या है आपके एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जो कि अप्रोक्सिमेटली किसकी तरह घूम किसके अप्रोक्सीमेटली घूमती हैं टू दैट स्पीड ऑफ लाइट ना नेक्स्ट टॉपिक इज यस yes, हम लोगों ने देखो आउटर स्पेस में काफ़ी कुछ ट्रीटीज साइन कर रखी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 जो कि फॉरबिट्स करती नेशंस को फ्रॉम प्लेसिंग वेपन्स और हैविंग एनी मिलिट्री बेस इन द आउटर स्पेस इसके बाद रिसोर्स जो भी हैं आउटर स्पेस के वो सब के लिए कॉमन है प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द प्लान नेक्स्ट इज रेस्क्यू एग्रीमेंट नाइनटीन में हुआ था नेशंस आर सपोज टू जॉइन हैंड्स इन द रेस्क्यू ऑफ मिसिंग स्पेस क्राफ्ट जैसे अभी चंद्रयान मिशन टू हुआ वहाँ पे ऑर्बिटर तो ऑर्बिट करने लग गया लेकिन विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान रोवर वो आपके डेबरी बन गए थे मिस हो गए थे मिस फ्लाइट हो गई थी लेकिन ना तो उसको इसरो ढूंढ पाया ना ही नासा ढूँढ पाया एक आपका चेन्नई का साइंटिस्ट मैकेनिकल इंजी साइंटिस्ट नहीं मैकेनिकल इंजीनियर था वो शनमुगा सुब्रमण्यम उन्होंने देखिए मैकेनिकल इंजीनियर कितने यूजफुल होते हैं नाउ नेक्स्ट इज योर मून ट्रीटी ऑफ 1979। अब प्रॉपर्टी ऑफ मून क्या बताया जाता है इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ दैट मींस इट इट बिलोंग्स टू एवरी वन ना नेक्स्ट इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार वॉर्स ये सबसे कोई स्टार वर्स की पॉसिबिलिटी नहीं होगी यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है स्पेस में तो कि इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स क्या रहे स्पेस हिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ इलेवंथ नवम्बर नाइनटीन थर्टी फाइव को क्या हुआ एक कारनामा हुआ यू एस एक्सप्लोर टू ने क्या किया एक हॉट एयर बलून को लिफ्ट किया और वो करीबन बाईस से पच्चीस किलोमीटर के अंतराल में रहा और इक्विपमेंट्स क्या थे उसमें एक वर्टिकल प्रोफाइलिंग थी ताकि हम लोग लेयर बाय लेयर एटमॉस्फेयर को जान पाए सबसे पहले तो अपने घर को ही देखना पड़ता है ना कि घर की चीज़ों को जान लो फिर आगे बढ़ो इसीलिए बोलता हूँ कि इंडिया को पहले घूमो बाहर की चीज़ें बाद में देखना नेक्स्ट इज कोल्ड वॉर एरा कोल्ड वॉर एरा येस आपको पता है ये एक टसल था सोवियत सोवियत यूनियन और यू के बीच में जो कि नाइनटीन में ख़त्म हुआ तो ऐसे ही स्पेस में भी वॉर थी इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि 1957 में स्पुटनिक वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट व्हिच वाज सेंट इन ऑर्बिट बाय रशिया रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है कॉस्मोस आर ओ एस सी ओ एस एम ओ एस लिख के ले जाइए नेक्स्ट इज़ 1969 में क्या हुआ अपोलो 11 हुआ जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये आपका ये जेनवनली हुआ था या नहीं हुआ था बट 2019 में नासा ने इसके 50 साल मनाए ये ठीक है अच्छी बात है बट uh, आगे जाके मैं तब स्पेस मिशन में इंडिजिनस uh, मिशन में आपका मून का डिस्कशन करूँगा चंद्रयान मिशन वन तो वहाँ पर बताऊँगा कि वाई इट वॉज़ अ लाइक ए कॉन्सपरेसी नेक्स्ट इज देन एवरी नेशन स्टार्ट स्टार्टिड सेंडिंग वॉट सेटेलाइट्स और वहाँ पर क्या बन गया स्पेस डेबरी उस टेब स्पेस डेबरी बहुत ज़बरदस्त बन चुका है और गारबेज की तरह लगता है अब सेवेंटीज़ में क्या हुआ स्पेस एक्सप्लोरेशन होने चालू हो गया स्काई लैब बना स्काई लैब क्या था वॉज द फर्स्ट यूएस स्पेस स्टेशन जहाँ पे तीन लोग गए थे 1973 में 1973 में इसके बाद यूएस और रशिया ने सो, सोचा कि हम लोग कोलाबोरेट कर लेते हैं स्पेस में ठीक है तो जॉइंट ऑपरेशन हुए यू और रशिया के सोयोज सोयोज वॉज द सीरीज ऑफ स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाई द रशियंस एंड अपोलो वॉज द मिशन ऑफ नासा सो कॉस्मोट और कास्मोनाट और एस्ट्रोनॉट्स जुड़ गए और उन्होंने एक शेयर्ड मिशन किया इसके बाद सबसे बड़ा इन्हांसमेंट हुआ स्पेस हिस्ट्री में वर्ल्ड स्पेस हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं जहां पे सन 2000 में आई एस एस आया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि स्पेस में है लोअर्थ ऑर्बिट तो में आप लोग नेकेडाइव से भी देख सकते हैं 10 से 15 क्रू मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी को ये जानते हैं ह्यूमन कॉमन सेंस जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी मीन्स ह्यूमन कॉमन सेंस या फिर हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रैक्टिस करते हैं या देखते हैं आफ्टर ऑल दो मल्टीपल सक्सेसफुल मैन मिशन वो अकर्ड बट इट वॉज द अनमैन स्पेस क्राफ्ट एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज दैट हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द मॉडर्न एज ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाने लग गया वेदर कंडीशंस के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए प्रोसाइज नेविगेशन के लिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए सिंपल फॉर्मेट में नाउ नेक्स्ट इज यस नेक्स्ट इज योर अब क्योंकि अब घर की बात करते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम की ये, ये क्यों लॉन्च हुआ ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इन स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया देखो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा इन्हांसमेंट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा टर्मोलॉजीज़ बढ़ेंगी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ेंगी इसीलिए ठीक नेक्स्ट इज डूअल यूज टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली अब लोग डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ सर्विलांस या फिर कम्युनिकेशन सेटेलाइट के लिए तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो है ना तो, तो दिस इज अभी तो ये नीति आयोग का मिशन भी है कि हम लोग पूरे साढ़े छः लाख गांव जो है इंडिया में उनको सेटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू पावर्ड करें है ना नेक्स्ट इज अब देखिए भाबा साहब बहुत बड़ा एक बहुत बड़े एक साइंटिस्ट जो जिनका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च भाभा एटॉमिक रिसर्च बाघ जाना जाता है और उन्होंने उन्नीस का नेहरू विजन को इन्हांस किया इनिशिएट किया विक्रम सारा भाई येस उन्होंने एक फ़िज़िकल आपकी लैब इनिशिएट की थी रिसर्च लैब अहमदाबाद में ये सब एक आपकी इंटरनेशनल कमेटी के सारे मेंबर्स थे जिसमें विक्रम सारा भाई इनके चेयरमैन थे ना नेक्स्ट येस एक नाथ वसंत चिटनेस ई चिटनेस इन्होंने भी इस टीम को ज्वाइन कर लिया था ये पद्म हैं और इन्होंने एक्सरे एस्ट्रोनॉमी पर काफ़ी काम किया हुआ है इसके बाद व्हाट मेक्स गुड स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन यस डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ क्योंकि इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन में है इक्वेटर के नज़दीक है इसीलिए स्पीड लार्जर होती है इक्वेटर पर और टुवर्ड्स तो द इट्स रिड्यूसेस देर क्लोज टू इक्वेटर हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे आ, कोई भी लॉन्चिंग स्टेशंस तो इसीलिए हम लोग सोचा कि कोलम या थुम्बा कोई सा एक आ, पिक करते हैं लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा आपके थ्रू अनंतपुरम में है कोलम भी वहीं पे आपके साठ किलोमीटर की दूरी के आसपास है केरला में है लेकिन कोलम रिजेक्ट कर दिया था कल्चरल ग्राउंड्स पे बट येस डेफिनेटली थुम्बा को लिया गया अब 1960 से 70 के बीच में एक जियो फिजिकल डिगेट माना जाता है ये कि हम लोग कोलम और थुम्बा में हम लोगों ने इलेक्ट्रोजेट स्ट्रीम्स को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं साउंडिंग रॉकेट्स वो होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल रॉकेट्स होते हैं रिसर्च रॉकेट्स ठीक है तो इन्होंने भी थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पे आपकी वर्टिकल प्रोफाइलिंग एटमॉस्फेयर के लिए मतलब वर्टिकल लेयर्स को स्टडी करने के लिए ट्रोपोस्फियर स्ट्राटॉस्फियर मिजोस्फियर थर्मोस्फियर एनॉस्फियर को स्टडी करने के लिए वर्टिकल प्रोफाइलिंग चालू कर दिया आपको पता ही है कि आपके हवाई जहाज कहाँ से किस लेयर से उड़ते हैं स्ट्राटॉस्फियर से आप लोगों को पता है ये सब चीजें ओजोन ओजोन लेयर की स्टडी के लिए हम लोगों ने इसको एनहांस किया था ठीक है नाउ नेक्स्ट इज येस सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्यों श्री हरि कोटा वॉज चूज एज अ लॉन्चिंग स्टेशन क्यों सतीश धवन स्पेस सेंटर एक बहुत ही बड़ा आपका लॉन्चिंग स्टेशन है आपका सिरो का क्योंकि यहाँ पे लैंड मार्क्स नहीं है वेदर कंडीशंस में बहुत ज़्यादा कामनेस है लॉन्च में डिले नहीं होता टेन मंथ्स रेन फ्री है और हाँ यहाँ पे बुलक कार्ड्स भी यूज़ की जाती हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए इसलिए इन कारणों की वजह से ये लॉन्चिंग स्टेशन चूज़ किया गया अब इंडिया स्पेस प्रोग्राम ऑफिशियली बना धीरे धीरे बनता चला गया उसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को जोड़ लिया उन्नीस में और डॉक्टर होमी बाबा इसके सेक्रेटरी रहे इसके बाद विक्रम साराभाई ने इनिशिएट किया था जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल रिसर्च लैब और उसके बाद एक नेशनल कमेटी बनी उन्नीस में और फिर इनकॉस्पर एक इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च एक कमेटी बनी साराभाई उसके चेयरमैन थे उन्नीस में थुम्बा जो कि तिरुवनंतपुरम में है फर्स्ट लॉन्ग रॉकेट लॉन्च सेंटर बनाया गया और वहाँ पे यूएस के अपाचे साउंडिंग रॉकेट्स और रोहिणी हमारे इंडिया के दोनों को लॉन्च किया गया एट द सेम टाइम बट दे वर द फील्ड मिशन ना वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट बिकॉज टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द कोर एनालिटिक्स ओनली ऑफ स्पेस ठीक है अभी थोड़ा सा यहाँ पर घुसते हैं स्टार्ट करते हैं अभी ट्रेलर देते हैं है ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ उनहत्तर में बनी और एक डिपार्टमेंट स्पेस के अंडर में है ठीक है और इस्पेस इस एक्सप्लोरेशन और साइंस रिसर्च और प्लान प्लानटरी एक्सप्लोरेशन एक्स, के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी इसरो को और येस ये सीधे सीधे पी एम ओ के अंडर में आती है इसरो है इसरो इसरोप हेडकवाटर कहाँ पे है बैंगलौर में है इसके कुछ सब सेंटर्स हैं आप सब सेंटर्स बताएंगे पहले ये बाहुबली सारे देखेंगे धीरे धीरे करके आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में अभी देखते हैं इसरो के सब सेंटर सबसे पहला है आईसैक इसरो सेटेलाइट सेंटर जो कि बैंगलोर में है यहाँ पे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए और उसकी टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशनस कैसे डेवलप होंगी उनको इस्तेमाल करने के लिए ये सेंटर बनाया गया है अब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये सैप जो है अहमदाबाद में भी है दिल्ली में भी है ये क्या करता है इट इज इट इज़ इन्वॉल्व इन डिज़ाइन स्पेस बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि पेलोड्स को काम करते हैं पेलोड्स क्या होते हैं रॉकेट में जो आपके पैसेंजर सेटेलाइट्स होती हैं जो रखी जाती हैं मेन सेटेलाइट्स आपके पड़ोसी मुल्क के भी हो सकती हैं या किसी भी मुल्क की जो रखवाना चाहता है आपके साथ सेटेलाइट और आपकी भी हो सकती हैं ठीक है ना नेक्स्ट इज यस आइस ट्रैक इसरो की एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक आपकी ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में इस्तेमाल की जाती है जैसे क्या आप लोग ग्राफ देखते हो ना टीवी में जो तब आपका एक रॉकेट जाता है तो वो आइस ट्रैक का, का काम है ठीक है आइस ट्रैक बैंगलोर लखनऊ और निकोबार में है ठीक है और उसके साथ साथ एब्रॉड लोकेशन में भी है आपका इंडोनेशिया और मॉरिशियस में भी टेलीमेट्री का क्या, क्या मतलब है टेलीमेट्री मीन्स डिस्टेंस ठीक है और इसके बाद ये स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए भी ऑपरेशंस करता है और लॉन्च व्हीकल कंट्रोल को भी ठीक है लॉन्च व्हीकल क्या होता है स्पेस क्राफ्ट सब चीज़ें इन्हांस होगा धीरे धीरे करके अभी थोड़ा शांत रहे नेक्स्ट इज इंडियन स्पेस नेटवर्क जो कि बैलालू में है 40 किलोमीटर है बेंगलोर से ये 2008 में बनाया गया और यहाँ पे ही होते हैं हमारे इंडिजिनस मिशंस इंडिजिनस मिशन वो होते हैं जो कि स्वयं एक कंट्री बनाती है चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन इसके बाद मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो कि आपकी हसन में है कर्नाटका में है ये इनिशियल ऑर्बिट को देखते हैं ऑर्बिट के पेलोड्स को देखते हैं और उनके ऑपरेशंस तो कि उनकी लाइफ स्पैन को मॉनिटर करते हैं इसके बाद विक्रम सारा स्पेस सेंटर जो कि थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरला में है और यहाँ से हम लोग एस से एस में एनहानस हो रहे हैं एस एल वी मीन्स सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल टू ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल फिर हम लोग पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पे आ चुके हैं पी एस एल वी भी हम लॉन्च करते हैं और हमारा बाहुबली सबसे बड़ा जी एस एल वी जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इन सब का बाइफिकेशन वन बाई वन सेकेंड लेक्चर में ही हो जाएगा डोंट वरी फॉर दैट नाउ नेक्स्ट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री कोटा में है यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी लॉन्च सेंटर है इसरो का और यहाँ पे हम लोग सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं कहाँ पे लोअर अर्थ ऑर्बिट में जिसका डिस्टेंस आपके सी वे अबव सी लेवल 150 से 200 2000 किलोमीटर के रेंज में है यहीं पे आपकी हबल टेलीस्कोप भी है उसके बाद 2021 में 21 में 2021 में आपका नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी लॉन्च करने जा रहा है इसके बाद यहाँ पर भी यहाँ पर ही आपका इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और एक बात तो ध्यान रखिएगा अभी मैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स लूँगा डेप्थ में, पर अभी एक नॉलेज लेके जाइए कि सेटेलाइट की स्पीड और मैं कह सकता हूं वेलोसिटी वो सबसे ज्यादा होती है आपकी कहां पे आपकी अर्थ ऑर्बिट में क्यों क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल को अट्रैक्ट कर सकता है इसीलिए कंसिडेबली आपकी लोअर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की वेलोसिटी ज्यादा रहती है नेक्स्ट इज़ योर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अभी देखेंगे इनका डिस्टेंस uh, करीबन करीबन छत्तीस हज़ार किलोमीटर है अब द सी लेवल यहाँ पे जनरली कम्युनिकेशन सेटलाइट्स को प्लेस किया जाता है लोअर्थ ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है जो कि हमें हमारी वेदर कंडीशन को एनहांस करते हैं एनलाइज करते हैं सॉइल मैपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है पोलो ऑर्बिट्स भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज योर लिक्विड प्रोपालशन सिस्टम सेंटर येस ये वही हमला केरला में है महेंद्रगर तमिलनाडु और बैंगलोर तीन जगह लोकेशन हैं दे एंगेज इन लिक्विड एंड क्रायोजेनिक प्रोपालशन स्टेजेस येस अब टाइप्स ऑफ फ्यूल डिस्कस करेंगे लॉन्चिंग व्हीकल्स में सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक फ्यूल हमेशा लो टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं और क्रायोजेनिक फील फ्यूल के लिए ही बहुत बड़ा एनहसमेंट हुआ था नंबी आपके जो स्पाई कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए थे साइंटिस्ट ठीक है उनके बारे में भी बात करूंगा डेप्थ में नेक्स्ट लेक्चर में नाउ नेक्स्ट इज़ योर डेवलपमेंट एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट जो कि अहमदाबाद में है और वो की किस में काम करती है वो आप लोग सोशल इकोनॉमिक रिसर्च एवेलुशन में काम करती है ग्राम सेट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया इसरो ने जहाँ पे वो इलिट्रेसी को एलिमिनेट करने के लिए रूरल एरियाज़ में ब्रॉडकास्टिंग करती है वीडियोस का एजुकेशनल वीडियोस का राइट नाउ नेक्स्ट इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी ये काम करती है डेसू ठीक है इसके साथ साथ एक छोटी सी एक और सब सेंटर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एन जो कि हैदराबाद में है ये क्या करता है ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम करता है इसके फाइव रीजनल सेंटर्स भी हैं जैसे जोधपुर है कोलकाता है देहरादून है नागपुर है और बैंगलोर है ना नेक्स्ट इज लास्ट इज योर अंतरिक्ष एक कमर्शियल विंग है इसरो का और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डेफिनेटली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास में है ये ट्रांसपोंडर्स को एनहांस करता है ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं जो सेंड और रिसीव सिग्नल करते हैं टू वे कम्युनिकेशन ठीक है और ये लॉन्च भी करता है कुछ सर्विसेज को 2014-15 में इसका रेवेन्यू था 1860 फिर बढ़ गया 2015-16 में जो कि हो गया उन्नीस और जी एस एल वी एम के थ्री जिसकी मैक्स जो कि मैक्सिमम सेटेलाइट का वजन चार हज़ार किलोग्राम तक की लेके जा सकता है और इसीलिए अंतरिक्ष जो है एटी परसेंट मार्केट कहाँ पे लाई करता है हैवियर सेटेलाइट में इसलिए डील करता है हैवियर सेटेलाइट में भी जैसे थ्री uh, थाउजेंड से अबव वाली सेटेलाइट ना नेक्स्ट इज हीज इट इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ सप्लाई ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसपोर्ट लीज सर्विसेज एंड लॉन्च सर्विसेज नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी लास्ट टॉपिक दैट हम हम लोगों ने अभी तक जो पेलोड्स हैं जो को पैसेंजर्स हैं कौन कौन से हम लोगों ने किस किस कंट्री के लेके जा चुके हैं कोरियंस के क्रिट सैट बोलते हैं उसको जर्मन्स के ट्यूब साट जे बेल्जियम के अप्रोबा और फ्रांस के स्पॉट सिक्स स्पॉट सेवन यू एस ए के डो वो पाथ फाइंडर वेरी फेमस एंड इंडोनेशिया का लतान सो गाइज आई होप योअर फाइनिंग दिस लेक् वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ लॉट मोर कमिंग अप सो स्टेट Thank you so much, guys. Thank you.